नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के चौर गांव से आया और आप लोग देख सकते हैं फिलहाल अभी रात का वक्त हो रहा है और हमें रेस्क्यू के लिए कॉल आया है। उनके घर में एक ही स्थान पर दो दो सांप देखे गए और शायद वो नाग नागिन का जोड़ा है जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं। वहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने हमें इस चीज़ की सूचना दी कि भैया यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा है, हम लोग पहचान रहे हैं, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज है। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग मौके पर चलते हैं और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। और फिलहाल हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले से काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है क्योंकि जिनके घर में सांप निकला है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और जब से सांप दिखा है तब से सब लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं। सिर्फ कुछ लोग सांप को देख रहे हैं कि सांप कहीं और भाग ना जाए। तो हम लोग अभी मौके पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही दूरी पर उनका घर है, सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं और जो सांप है उसका सुरक्षित रेस्क्यू करके उसको उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो भयमुक्त और सुरक्षित हो जाए और जो सांप है उसको भी हम लोग सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके उसके लिए नए अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसका रहना ठीक नहीं, ना ही सांप के लिए और ना ही इंसानों के लिए। अगर यहाँ पर सांप रहता है तो इंसान अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए सांप को मार सकते हैं और सांप को मारते वक्त हो सकता है सांप गुस्से में आगे बाइट कर ले तो किसी इंसान की भी मौत हो सकती है। तो बेहतर यही होगा कि इनको यहाँ से निकाल करके इनके अनुकूलित वातावरण में जंगल में रिलीज कर दिया जाए। दो तो है शोर मत करिए भैया, शोर मत करिए एकदम। हाँ शोर मत करिए एकदम। अरे अलग अलग रमत कर भरे भाई, सबके हटा दे भरे ना होते, सबके बोलता भरे कदम है भाई। आप लोग एकदम तीन है चार कोबरा सब नहीं दो ये तो टोटल तीन है, कुल मिला के तीन। तीन ही है, तीन ही है। वो कबरा आप लोग हटिए, रास्ता छोड़िए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो के बजाय तीन तीन सांप हैं, दो इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज और एक इंडियन रेड स्नेक, यानी कि नाग नागिन सांप का जोड़ा और एक धामन सांप भी है। यहाँ पर हमें दो के लिए सूचना मिली थी लेकिन यहाँ पर तीन सांप मिले हैं और हमने तीनों सांपों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया है, क्योंकि ये फर्श जो है ये कच्चा है और यहाँ पर कई सारी बिल हैं इसलिए हमें तीनों सांपों को एक साथ रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमारे आने की आहट इनको मिल चुकी थी और ऐसे में अगर हम छोड़ के एक सांप को पैक करने के लिए बाहर जाते तो हो सकता है बाकी के जो सांप है वो अंदर बिल के चले जाते और हमारी मुश्किल बढ़ जाती है, हमें इसको ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं हम तीनों सांपों को लेकर के बाहर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सुरक्षित रूप से एक एक करके सभी सांपों को बैग में पैक कर लेंगे और यहाँ से ले जाकर के इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। अब आप लोग शोर कम करिए, हम बताइए जैसे क्या करना। जब तक कि हम लोग इन सभी सांपों को बैग में पैक करते हैं मैं इनके बारे में आप सभी से कुछ जानकारी साझा कर देना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग को भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे फिटार कहते हैं तो कहीं पर इसे गेहुअन और कहीं पर इसे खरीस कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नाजानाजा होता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स वेनम पाया जाता है जो किसी भी इंसान या फिर जीव को बाइट कर ले तो उसका नर्वस सिस्टम यानी कि नाड़ी तंत्र काम करना बंद कर देता है और ऐसे में यदि सही वक्त पर उचित ट्रीटमेंट ना मिले तो उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अतः आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी किसी को स्नेक बाइट हो यानी कि जहरीला सांप काटे तो आप लोग बिना वक्त गवाए सबसे नजदीकी सर्पदंश के अस्पताल में जाएं। अगर आप सांप को नहीं पहचानते हैं तब भी आप अस्पताल में ही जाएं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे दूसरे हाथ में जो सांप है ये सिंगल वाला, ये इंडियन रेड स्नेक यानी कि धामन सांप है जो कि पूरी तरह से नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर का होता है। इसके काटने से इंसान की जान को कोई भी खतरा नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर ये बाइट करता है आप इसको नहीं पहचानते तो आप अस्पताल जाएं, हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि आपको स्नेक बाइट के बाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और एंटी वेनम ही बचा पाएगा अगर जहरीला सांप काटा रहेगा तो, ना कि कोई झाड़फूंक या फिर तंत्र मंत्र। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं हमने धामन सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। अब बारी है दोनों स्पेक्टिकल कोबराज की, मतलब नाग नागिन की जोड़े की, इसको भी हम लोग बैग में पैक कर लेंगे। उसके बाद तीनों सांपों को ले जाकर के इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। अभी सर्दी का महीना चल रहा है और रात का वक्त होता है, ऐसे में हम लोग इनको रात में नहीं रिलीज करेंगे। जैसे ही दिन होता है और सूरज की रोशनी निकलती है हम लोग इनको ले जाकर के इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे ताकि
सूरज की रोशनी में और दिन की गर्मी में अपने लिए नया स्थान ढूंढ लें और इनकी जान पूरी तरह से बक जाए। भाई साफ है भैया, कोबरा है कोबरा। अरे आज देखा साधु वहां मीडिया वनीला है, आज दोनों सांप सांप सब है भैया, बस अलग अलग स्पीशीज है, सब सांप है। दोनों एक जाति हुए नागी नहीं हुए, हां दोनों एक जाति। आ नर्मदा नागी नहीं मतलब ये माला देखा देखा भाई से कर ये नाग है ना, ये नागिन थी और देख लीजिए और देख लीजिए, अब वैसे होगा नहीं, चलिए चल देख ले रहे हैं बाबा, हट जाता खड़े बाबा। दिल से रहलो तब तो हाल करो तबीली भाई, से रहलो तब ऐसे मन तिनी हूं ना हूं। आई पल्ला तो इस पीछे खींचा था भैया लोगन तो, ए पल्ला खींचा था तो ऐसे पीछे खींचा सब दो तीन जने मिलके खींचा, दो तीन जने इसको खींचे जा इधर लटका दो बस के आराम से देख लिया नहीं है खत्म हो गई नहीं है चलिए अगला जिन क्या उनके पास है हां ये तो मरने चीज है हमारे खला। और यहाँ पर अगले दिन जैसे ही धूप निकली हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने इंडियन रेड स्नेक यानी कि धामन सांप को रिलीज कर दिया और ये अभी इधर उधर घूम करके अपने लिए नया जगह ढूंढ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया, यहाँ पर अपने लिए नया स्थान ढूंढ लेगा। धामन सांप को रिलीज करने के बाद थोड़ी दूरी पर आकर के हम लोग नाग नागिन के जोड़े यानी कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज को रिलीज कर देंगे ताकि ये भी अपने अनुकूलित स्थान पर चले जाएं और अपने लिए नया स्थान ढूंढ लें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों सांपों को बैग से बाहर निकाल दिया और ये अपने लिए नया स्थान ढूंढ रहे हैं और अपनी जीभ को बाहर बार बार करके इस स्थान को जानने पहचानने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब सांपों का सेंस करने की क्षमता उनकी जीभ से कनेक्टेड होती है, जब ये अपनी जीभ को बार बार निकाल रहे होते तो अपने आसपास के वातावरण को समझ रहे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो दोनों सांप है ये अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहे हैं, मतलब एक सांप तो जा रहा है और दूसरा सांप होंठ लेकर के हमारी तरफ बैठ गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं सुबह की पहली किरण इनके ऊपर पड़ रही है और इनके पास पूरा दिन का वक्त है अपने लिए नया स्थान ढूंढने के लिए, अच्छे ढंग से सर्वाइव करने के लिए, अच्छे ढंग से यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो दोनों सांप है वो लगभग रुक से गए हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं और एक सांप तो होड़ लेकर के अटैक करने की भी ट्राई कर रहा है। तो हम लोग इसको घास के अंदर की तरफ छोड़ देंगे ताकि ये चले जाए, और अगर ये नहीं जाते हैं ज्यादा वक्त लेते तो हम लोग खुद इनको छोड़ के चले जाएंगे और ये खुद ब खुद अपने अनुकूलित वातावरण में चले जाएंगे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल स्टैचू से बन गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे, एक ही स्थान पर पड़े पड़े हैं। तो हम लोग इनको थोड़ा सा छेड़ेंगे ताकि ये अंदर की तरफ भाग जाए। आप लोग देख सकते हैं अभी जो दोनों सांप है वो अंदर की तरफ जाने लग रहे हैं। ये बहुत धीरे चल रहे हैं, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि अभी फिलहाल सर्दी का महीना है और सर्दियों के वक्त सांप उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, और दूसरा ये कारण है कि ये जगह जहां पर हमने इसको रिलीज किया ये इनके लिए नया है, यहाँ से ये वाकिफ नहीं, तो ये अपने लिए नया स्थान ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ कि कौन सा स्थान मेरे लिए ठीक रहेगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं रहेगा, तो हम लोग बिना कुछ किए इसको यहाँ पर छोड़ के, मतलब इन सांपों को यहाँ पर छोड़ के खुद ही यहाँ से चले जाते हैं ताकि ये अपने लिए स्थान ढूंढ लेंगे। तो फिलहाल हम लोग इनको यहाँ पर छोड़ते हैं और अपने अनुकूलित वातावरण में जाने देते हैं। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोगों ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।